हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट जुडिशरी ऑफ इंडिया। इसके पहले हम लोगों ने यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर उसे देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ क्लास 10th ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। जुडिशरी को सबसे पहले ये हेड करती है, प्रिसाइड करती है, क्योंकि कंट्री का ये एपेक्स कोर्ट है। एपेक्स कोर्ट मतलब सबसे ऊंचा कोर्ट, इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता किसी भी कंट्री में। बेसिकली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। हर कंट्री में अपना अपना सुप्रीम कोर्ट होता है। 26 जनवरी 1950 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया आर्टिकल 124 के अंडर। जी हाँ, आर्टिकल 124 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बनाया गया, और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जब बनाया गया तो एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस के साथ सबसे पहले इसे बनाया गया था। लेकिन यूनियन पार्लियामेंट को एक जिम्मेदारी दे दी गई, एक पावर दे दी गई कि आप समय से समय इसमें नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं। इस समय 30 जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समय 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्यरत हैं हमारे शरद अरविंद बोबडे। जी हाँ, किसी भी चीफ जस्टिस का कार्यकाल 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर है और 65 ईयर की मैक्सिमम एज है। जो भी पहले पूरा हो जाएगा उस समय वो रिटायर हो जाएंगे। 90% केसेस में क्या होता है कि जजेस जो हैं 62-63 की एज में अपॉइंटी होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ईयर ही सर्व कर पाते हैं। वैसे मैक्सिमम टेन्योर 5 ईयर्स का होता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज को अपॉइंट करने के लिए एक कोलोजियम सिस्टम का गठन किया गया है, जहां पर प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद अदर जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ये कोलोजियम सिस्टम कहलाता है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होता है फाइनल अपॉइंटमेंट करने का अधिकार होता है इनके पास। प्रेसिडेंट जो होता है ये ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर और रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही काम करते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड चीफ जस्टिस, वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट। जी हाँ, प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। जबकि आपको मैंने बताया था प्रेसिडेंट के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो जाता है कि प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का एक कस्टोडियन भी माना जाता है, या कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्ट इंप्लीमेंटेशन और उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, इंटरप्रिटेशन मतलब उसको सही तरीके से समझना, उसको सही तरीके से बताना, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी माना गया कि किसके कंधों पर होती है? सुप्रीम कोर्ट के। और सुप्रीम कोर्ट को उसको पूरी तरह से बखूबी जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस के बारे में। जी हाँ, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैसे जज सुप्रीम कोर्ट का बन सकता है। चीफ जस्टिस की बात करें तो चीफ जस्टिस जो होते हैं वो ज्यादातर हमेशा जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को आगे चलकर चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, इसको टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन एक हायरार्की सिस्टम को फॉलो किया जाता है। और अगर हम अदर जजेस के आपके क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, ही मस्ट बी अ प्रैक्टिशनरी लॉयर और अ जज। एक या तो प्रैक्टिशनरी लॉयर होने चाहिए या जज होने चाहिए। जज के बारे में अगर बात करें तो कम से कम 5 सालों के लिए हाई कोर्ट के जज या उसी की तरह किसी कोर्ट के 5 सालों तक जज होने चाहिए लगातार पीरियड पे। और सेकेंड, या तो वो अगर एक कोई लॉयर है तो 10 सालों तक एक प्रैक्टिशनरी लॉयर होने चाहिए फॉर गेटिंग अ चांस फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज, जज के लिए अपॉइंट होने के लिए। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं किसी भी जज को अपॉइंट होने के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि जज को कैसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। जजेस को रिमूव करने के लिए ऑफिस से हमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी पूछा जाता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? इम्पीचमेंट इज अ प्रोसेस इन विच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड। इनको रिमूव करने के लिए ग्राउंड्स हो सकते हैं ब्राइबरी का, या आप कह सकते हो करप्शन, नेक्स्ट लीकिंग सम सेंसिटिव इश्यूज, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली फॉलो ना करना, ये सारे कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को निकाला जाए। कुछ
हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ अभी तक कोई भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस नहीं हुआ है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाने के लिए यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि किसी को भी निरंकुश नहीं रखा जाना चाहिए, हर को चेक में रखना चाहिए। इसीलिए जुडिशरी को चेक में रखता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस पार होने के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में उसको पास कराना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का प्रोसेस लाने के लिए सबसे पहले कम से कम 50 जो मेंबर्स होंगे एक रिटन एप्लीकेशन देंगे स्पीकर को या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को, और अगर वो आप कह सकते हो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमिटी बैठेगी जो उस पर जाँच करेगी कि क्या ये एलिगेशन सही है कि गलत है, और अगर सही पाए जाते हैं तब जाकर इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा लोकसभा में, और उसके बाद लोकसभा में अगर वो 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा तब राज्यसभा में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जज होंगे उनको भी अपनी सफाई का मौका दिया जाएगा, वो भी अपने जज अपने केस को खुद लड़ सकते हैं या किसी दूसरे वकील को भी लाकर अपना केस लड़ सकते हैं, और फिर उस पर फाइनली वोटिंग होती है। तो अगर ये वोटिंग 2/3 से दोनों हाउसेज में पास होगी तब जाके जज रिमूव होते हैं, ये कहलाता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस। अब बात करते हैं बेसिकली जो केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के केसेस जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन देखो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ केसेस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले जब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में कोई आप कह सकते हो डिस्प्यूट हो जाए, तब कभी वो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, या दो स्टेट्स के बीच में आपस में इंटर स्टेट्स में आप कह सकते हो कोई तकरार हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए या डिस्प्यूट हो जाए, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट स्टेट्स में प्रॉब्लम हो, फेडरल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, ये सारे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई केस फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आता है तो वो भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया जा सकता है। यहां पर अगर किसी फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन की वॉयलेट होती है, जो आर्टिकल 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी बताता है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का एक पार्ट है। तो ये डायरेक्टली केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हियर किए जा सकते हैं और सुने जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो नॉर्मली ये 3 जजेस बेंच में हियर करते हैं केसेस को, और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए कोई केस हो या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई केस बड़ा सुना जाए तो उसे संवैधानिक पीठ कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। उसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजंस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही अपने डिसीजंस को वापस जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से देख सकती है। अभी जुडिशियल रिव्यू के बारे में आगे बताते हैं आपको, उससे पहले अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करते हैं। अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन देखिए क्या होता है कि जब कभी अपील्स के थ्रू कोई केस सुप्रीम कोर्ट में आए, यानी कि ये कुछ ऐसे केसेस होंगे जो लोअर कोर्ट से सुने जा चुके हैं और इस पर डिसीजन हो चुका है, कोई भी पार्टी इसे असंतुष्ट है तो वो क्या गया हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में भी फाइनली फैसला हो गया, हाई कोर्ट से भी असंतुष्ट है तो एक कोई पार्टी वहां पर आ गई जो सुप्रीम कोर्ट है। तो यहां पर अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब कभी कोई पार्टी नीचे के जो कोर्ट्स हैं उसके डिसीजन से सेटिस्फाई ना होकर फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी, तो वो अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन होता है। इसमें सिविल केसेस भी आते हैं और आपके क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आता है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये बेसिकली अपने सुप्रीम कोर्ट वर्जन को देता है, अपने सुप्रीम कोर्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है, पॉइंट ऑफ व्यू रखता है पार्लियामेंट के सामने या देश के सामने जब उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट मशीनरी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि ये काम सही से नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, इस पर जवाब दे सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी जैसे आया था कि सबको फूड मिलना चाहिए, किसी को भी फूड से वंचित नहीं रहना है, अगर फूड सरप्लस है तो फ्री में गवर्नमेंट दे। तो ये एक तरह का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है। ये ज्यूरिसडिक्शन या एडवाइजरी फंक्शन आप जिसे कहते हैं ये लागू नहीं होता है गवर्नमेंट पे, बिकॉज ये एक तरह का एडवाइज है। लेकिन अब सिंपल सी चीज़ है, अगर क्लास में कोई सबसे ऊपर मॉनिटर कोई चीज़ कहता है या टीचर कोई चीज़ कहती है तो उसे सब लोग सुनते हैं, तो ये सुनना ज़रूरी होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए उसकी रेपुटेशन के लिए। तो ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसके बाद बात करें बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स की।
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, सबसे ऊपर कोर्ट है, तो इसके डिसीजन को बहुत ही रिस्पेक्ट किया जाता है और फाइनल माना जाता है। तो जो अदर कोर्ट्स होते हैं ये इसके डिसीजन को एज अ पैरामीटर लेकर दूसरे केसेस पे भी जो उससे सिमिलर आते हैं डिसीजन देती है। जैसे मान लीजिए कोई एक केस आया जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोग हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, या वो केसेस जो हैं वो सिमिलर थे सुप्रीम कोर्ट में जो हियर किए गए, तो वो केस नंबर का एक रेफरेंस देंगे कि इस केस नंबर में ये केस था, यहाँ पर इस केस में ये फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो हम भी इस तरह से ही फैसला देते हैं। तो ये कैसे मालूम चलेगा? एक पूरा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है जहाँ पर सारे कोर्ट्स में जितनी भी मतलब सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुए हैं, जितनी भी सुनवाई हुई है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा हुआ है और आप जाकर ले सकते हैं। अब तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, आप डायरेक्टली अपना नेट पे सर्च करिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के, और जो भी केस नंबर और आप केस नाम से भी सर्च करके उसके डिटेल्स को निकाल सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। ये स्टडी मटेरियल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लॉ एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स होते हैं, ये आपके एडवोकेट्स और अटॉर्नी जनरल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रेफरेंस के लिए यूज में किया जाता है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू आपको बताता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट दो तरह से एक्सरसाइज करती है, जहां पर गवर्नमेंट की कोई भी पास किए गए लॉ की लीगैलिटी को चेक करना हो। जैसे मान लीजिए कोई भी लॉ गवर्नमेंट ने पास कर दिया पार्लियामेंट से, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है, तो वहां पर अगर कोई भी इसके खिलाफ एक PIL या कोई भी एक केस दायर कर दे, PIL बेसिकली होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कोई भी इंसान दायर कर सकता है, उसके खिलाफ कोई भी एक सूट दायर करता है, केस दायर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे हियर करेगा, और अगर वो लीगल नहीं है, अगर वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगा, उसे वो पूरी तरह से स्लैश ऑफ खत्म करने की बात कहेगा। जहां पर जुडिशियल रिव्यू में चेक करते हैं लीगैलिटी ऑफ द बिल्स विच आर बीन पास बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट्स में भी होता है, लेकिन स्टेट्स में ज्यादातर इनके हाईकोर्ट देख लेते हैं, अगर हाईकोर्ट्स में प्रॉब्लम होगी तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट पर कोई कोर्ट नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को चेक भी कर सकता है, वो प्रोसेस भी जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। जब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक डिसीजन दिया और उसे लगता है आगे चल के कि डिसीजन शायद सही नहीं था, तो अपने ही जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से उस डिसीजन को ठीक कर सकता है। जब कंप्लेनेंट या जो भी आप कह सकते हो जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो अपना केस खुद से जुडिशियल रिव्यू के डाले, तो सुप्रीम कोर्ट पे ही है कि वो एक्सेप्ट करना चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर उस पर फिर से सुनवाई कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो अपलोड होती है। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अबाउट रिट्स एंड पावर्स ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी के बारे में। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।